الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام عليك يا صفوه الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم ناظرين الكرام اپك المذبان मोहम्मद साकिब इकबाल शामी ए आर वाई क्यू टी वी की इस लाइव ट्रांसमिशन के साथ प्रोग्राम तस्किया कल्ब में हाजिर खदमत है व रहमतुल्लाहि व वरक मोहतरम नाज़रीन लास्ट एपिसोड में हम इंसान के फिज़िकल हार्ट को डिस्कस कर रहे थे आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजू होगा वो असबाब जिनके जरिए इंसान का स्परिचुअल दिल कमज़ोर हो जाता है इंसान का रूहानी कल्ब कमज़ोर हो जाता है नादिन कराम वो इसबाब जिनके ज़रिए इंसान का रूहानी दिल कमज़ोर होता है या बीमार हो जाता है इनमें से अक्सर वहीबाब हैं जो इंसान के फिज़िकल दिल को कमज़ोर करते हैं इंसान के फिज़िकल हार्ट को कमज़ोर करते हैं या इंसान का फिज़िकल हार्ट बीमारी में मुबला हो जाता है ये एक अजीब व गरीब मरला फ़िक्र है क्योंकि साइंसदान भी इस बात को कबूल कर रहे हैं वो लोग जो माजी में इंसान के रूहानी दिल के वजूद के मुनकिर थे आज वो तस्लीम कर रहे हैं कि वो उसब जिनके ज़रिए इंसान का स्परिचुल दिल बीमार हो जाता है यही वो उसब हैं जिनके ज़रिए इंसान का फिज़िकल दिल भी बीमारी में मुबतला हो जाता है जैसा कि हम इस हालत में आप सल्हुआ वसलम की अदीस में अमराज कल्ब के हवाले से चैप्टर्स हैं आप सल्ला व्म की अदीस हैं सूफिया के अकवाल हैं साहबा कराम के बेशुमारवाल हैं इंसान को अगर गु़स्सा आए हसद जलसी तकबुर वो तमाम इसबाब हैं जिनके जरिए इंसान का रूहानी दिल कमज़ोर होता है और फिर इन्हीं उसबाब की बुनियाद पर फिर फोनिकेशन अडल्ट्री और दीगर क्रिमिनल एक्ट्स शराब का पीना और दिगर क्राइम जो भी जुर्म इस्लाम में मेंशन किए गए हैं इनकी बुनियाद पर इंसान का रूहानी दिल कमज़ोर हो जाता है लेकिन नाजन इक्रम यही वो इसबाब हैं इनमें से अक्सर वही इसबा पाए जाते हैं जिनके जरिए इंसान का फिज़िकल दिल भी बीमार हो जाता है अब जब रूहानी दिल बीमार होता है तो उसकी किस्में हैं सूफ़िया ने बयान की हैं अलकबुलखूम अलई अलबुलमय अलबुलशैतानी अलकलबुलसी अकल्बुल गाफिल अकल्बुलमारीद ये तमाम अकसाम हम इनशा फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स में लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारा कल्ब कैसा है हमारा दिल कैसा है लेकिन जिस अमर की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा फिज़िकल दिल भी उन्हीं इस्बाब के जरिए बीमार होता है फ़िज़ीकल दिल की बीमारी के हवाले से रतम आप सल्ला वसम की अदीस हैं जिनको हम रूहानी दिल की बीमारी पर भी वो 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 अदीस दलालत करती हैंक्रम सत फ़रमाया अन्नफिल जसद फ़ैज सल सल जसदकुल्लू फ़ैज़ फ़सद फ़सद अला वहीब इसल् वसम कई फ़रमान आलिशाहान जिसमें मिल्ल वसलम फ़रते हैं कि इंसान के जिसम में एक गोश्त का टुकड़ा है एक मुदगा है एक गोश्त का लोथड़ा है अगर वह दुरुस्त हो जाए तो सारा जिसम दुरुस्त हो जाता है और अगर वह बीमार हो जाए तो सारा

कि वो कौन सी बीमारियां हैं वो कौन से इसबाब हैं जिनके ज़रिए इंसान का रूहानी दिल बीमार होता है और वहीं बीमारियां इंसान के फिज़िकल दिल को भी बीमारियों में मुबतला कर देती हैं इस हवाले से द हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने अपनी एक लेबॉर्ट्री की एक एक्सपेरिमेंट की और वो कहते हैं कि वन पीपल फोकस ऑन दार्ट एक्टिव खो हार्ट फीलिंग सच एज़ लव खे or appreciation, this focus changes the heart rhythms immediately. when positive emotions such as happiness, compassion, care, and appreciation are activated, there is increased production of dhea in the human body, a hormone that fights aging in human beings. if the heart suffers from spiritual diseases such as envy, anger, or hate, dhea production, ज़ रिड्यूस्ड नाजनकम ये कहते हैं कि जिस तरह इंसान के स्परिचुअल हार्ट, इंसान के रूहानी कल्ब में कमज़ोरी पैदा हो जाती है जब इंसान में तकबुर पैदा हो जाए गुस्सा आ जाए जैलसी पैदा हो जाए हसद पैदा हो जाए लोगों से नफरत इंसान के दिल में पैदा हो जाए तो इस नफ़रत की वजह से इंसान का रूहानी दिल तो कमज़ोर होता ही है ये कहते हैं कि ये ऐसे असरात इंसान के फिज़िकल दिल पर मुरतब करता है जो होम्स इंसान के फ़िज़िकल दिल के लिए प्रोटेक्शन मुहैया करते हैं तहफ़ मुहैया करते हैं उन्हें डी हेच ई ए कहते हैं ये इंसान को बुढ़ापे और कमज़ोरी के वक्त इंसान को तहफ़ मुहैया करते हैं इंसान को प्रोटेक्शन देते हैं ये कहते हैं कि इंसान को वो हॉमोन जो इंसान को प्रोटेक्शन देते हैं और बुढ़ापे में इंसान की मदद करते हैं या इंसान के फिजिकल हार्ट को तहफुज मुहैया करते हैं इंसान जब ग़ुस्से में आता है या इंसान जब हसद करता है या जब इंसान किसी से नफ़रत का इजहार करता है या इंसान नाखुश होता है या इंसान में एक ऐसी कैफियत पैदा होती है जिसमें वो चाहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे अलावा कोई शख्स कोई, कोई सलाहियत नहीं रखता कहा कि इससे इंसान के फ़िज़िकल दिल पर भी असरात मुरतब होते हैं क्योंकि ये जो डी एच ई आई हॉमोन्स हैं ये इनकी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है ये कम हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान का फ़िज़िकल दिल भी कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है और बीमारियों में मुबतला हो जाता है नजरिन क्राम अगर हम गौर करें यह तो फ़क़त एक फैक्टर था इसके अलावा हम जानते हैं कि में आप वसल्लम की ट्रेडिशंस और सूफिया के अकबार और कुरान करीम की आयत भी इस पर दरालत करती हैं कुछ ऐसे अमूर हैं जिनके ज़रिए इंसान का रूहानी दिल बीमार हो जाता है मिसाल के तौर पर ज़्यादा खाना खाना इससे इंसान का स्परिचुअल दिल इंसान का रूहानी कल्ब कमज़ोर हो जाता है अब ज़्यादा खाना खाने से इंसान का फिज़िकल दिल भी कमज़ोर हो जाता है ज़्यादा खाना खाने के हवाले से और पेट भर कर खाना खाने के हवाले से आप अलैहि वसल्लम की अदीस समात फ फरमा लें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनबिन माजा महमा सल्ला वसलम ने शायद फरमाया आदमी अपने पेट से ज़्यादा बुरा बर्तन नहीं भरता इंसान के लिए चंद लुकमें काफ़ी हैं जो इसकी पीठ को सीधा रखें अगर ऐसा ना कर सके तो एक तहाई

फौदी ए ये रिसालबल व आसलम का खाने के हवाले से मेरे अलैहि वसम की ये तालीम है और यही वजह है कि रिसाल आपलीफ्ड व फ़्लैट वैली एंड रसूल सल्हल ये फास्ट वे विद फ्लैट बेली मेरे आकाल वारी ज़िंदगी जिंदगी में कभी भी रिसाल वसम का पेट बड़ा नहीं है मेरे आकल वसम का पेट हमेशा अंदर ही रहा है और यम आप की वो तलीमत हैं जो खाने के हवाले हैं और इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी अदीस हैं एक और हदीस आप समात फ़रमा लें हज़ूर अक्रम सल्हलम शायद फ़रमाते हैं जब बंदा अपने खाने में कमी करता है तो उसका जौफ़ नूर से मामूर कर दिया जाता है यानी जब इंसान कम खाना खाता है तो उसका सीना नूर से मुनवर हो जाता है नूर से मामूर कर दिया जाता है अलजाम सग़ीर की ये रिवायत थी इसके अलावा सईद ना अब्दुलबिन उमर रदील्ला तवायत फ़रमाते हैं कि हजूर अकरम सल्ला ने एक, एक शख्स की डकार सुनी तो फरमाया अपनी डकार कम कर इसलिए कि कयामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वो शख्स होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता होगा ये तिलमिजी की रिवायत है मेरे आकाशल ने इस हदीस में भी इशाद फरमाया कि इंसान को खाना कम खाना चाहिए हजरत सफियान सोरी रदील तन फरमाते हैं कि दिल की सख्ती के दो असबाब हैं दिल की सख्ती के दो कोजेज़ हैं दो हैं, दो असबाब हैं पेट भर कर खाना ज़्यादा बोलना नाजीन किराम, जब इंसान पेट भर कर खाना खाता है अगर आप एक्सपेरिमेंट खुद भी कर लें और देख लें या तजुर्बा कर लें कि इंसान को इबादत में सरूर नहीं आता इबादत की हलावत और मिठास इंसान महसूस नहीं करता अगर आप किसी महफिल में चले जाएँ जहाँ ज़िक्र की महफिल हो या रिक्कत अंगेज़ दुआ हो और उस दुआ में आप शामिल हों शिरकत करें और अगर आपका पेट भरा हुआ हो तो आप कोशिश भी करेंगे तो अशकू की बरसात नहीं हो पाएगी आपकी आंखें पूर्णम नहीं हो पाएंगी दिल में एक विजदानी कैफियत पैदा नहीं होती जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है हज़रत अबू सलेमान दरानी रहमतल तशात फरमाते हैं मैं इबादत में सबसे ज़्यादा हलावत उस वक्त महसूस करता हूँ जब भूख की वजह से मेरा पेट पीठ से लगा हुआ हो फरमाते हैं कि जब भूख की वजह से भूख की इतनी शिद्दत महसूस करूं कि मेरा पेट पीठ से लगा हुआ हो उस वक्त इबादत में मैं बहुत हलावत और बहुत ज़्यादा मिठास महसूस करता हूं और इमाम आजम अबू हनीफ़ रहा तई इशात फरमाते हैं कि जब दुनिया का कोई अहम काम याद आ जाए तो उसे पूरा करने से पहले खाना मत खाओ इंसान को दुनिया का कोई अहम काम याद आ जाए कोई इम्पोर्टेंट काम हो कोई ज़रूरी काम हो तो इमाम आज़म अबू हनीफा और रम्तु लाल की तालीम यह है आप फरमाते हैं कि वो काम पूरा करने से कबल खाना हरगिज़ नहीं खाना चाहिए यानी पेट उस वक्त भरा हुआ ना हो फरमाया फ़ाइन नल अखला युरअल अकल कहते हैं खाने को और अकल कहते हैं दिमाग को अक़ल को जहानत को समझ को फरमाते फीन नल अखला अकला के अकल इंसान के अक़ल को तब्दील कर देता है खाना इंसान के अक़ल को ख़त्म कर देता है तो इन अदीस और असलाफ की रवायात और अलियाई कामिलीन के फरमान से ये बात वाजह हो जाती है कि रिसालतमाप अलैहि वसल्लम ने हमें कम खाने की तालीम इर्शाद फरमाई नजरिन कराम अगर हम गौर करें बेशुमार ऐसी रिवायात हैं जिनसे इस बात की भी वजाहत होती है कि जो इंसान कम खाता है उसका रूहानी कल्ब उसका स्पिरिचुअल कल जिस तरह हमने पहले बयान किया कि हमारे इस फिजिकल हार्ट के अंदर हमारा एक स्पिरिचुअल हार्ट है और स्पिरिचुअल हार्ट का फिजिकल हार्ट से एक रब्त है एक है, एक है, एक है, एक है 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 ताल्लुक लिंक जब इंसान का स्पिरिचुअल हार्ट कमजोर हो जाता है तो इंसान का फिजिकल हार्ट भी कमजोर होता है इस हवाले से हमने अर्ज किया कि इन अदीस और इन रिवायात से ये बात वाजी हो जाती है कि जब इंसान कम खाता है तो स्पिरिचुअल हार्ट ताकतवर होता है इंसान ज़्यादा खाता है तो रूहानी कल्ब कमज़ोर हो जाता है अब हम देखेंगे कि क्या जदीद साइंस भी यही कहती है इंसान की फिजिकल हार्ट के हवाले से या नहीं तो आप समाज फरमा लें ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ यूके की एक तहकीक है वो कहते हैं अमंग द फिजिकल डिजीजेज ऑफ द हार्ट द मेजर वन इज़ द दर्नरी हार्ट डिजीज दिस अकर्स वेन द आर्ट्रीज़ दैट सप्लाई द हार्ट विद ब्लड एंड ऑक्सीजन बिकम नैरोड Because of deposits of cholesterol on the artery walls. If not enough oxygenated blood can reach the heart, then an angina attack results. In more severe cases, if the supply of blood is completely cut off from a portion of the heart, a heart attack will result. <laughs> इंसान के जिसम में जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंसान का कल्ब इंसान का फिज़िकल हाथ इंसान के जिस्म में खून पंप करता है ये जो खून पंप करने की आर्टरीज़ हैं या जिन आर्टरीज़ या जिन या रगों के ज़रिए से इंसान का खून इंसान के दिल में जाता है अगर ये रगें तंग हो जाएँ अगर ये कमज़ोर हो जाएँ अगर ये तंग हो जाए चूँकि अगर इंसान बहुत ज़्यादा मुगन गज़ाएँ या चिकनाहट वाली चर्बी या फैट्स इंसान बहुत ज़्यादा खाए और अगर इंसान इस तरह खाना खाए कि एहतियात ना करे और जिस तरह मेरे आका वसल्लम ने शाद फरमाया है कि एक तहाई खाने के लिए एक तहाई पीने के लिए और एक तहाई हवा के लिए अगर इसका अहतमाम ना किया जाए और बहुत ज़्यादा मुर्गन खाने इंसान खाए तो उसका इंसान के दिल पर असर ये पड़ता है कि इंसान की वो जो आर्ट्रीज़ हैं वो जो रगें हैं वो बहुत तंग हो जाती हैं वो तंग हो जाती है जिनकी वजह से इंसान का खून इंसान के दिल तक नहीं पहुंच पाता और उसका असर ये होता है कि अगर वो तंग हो जाए तो इंसान को अटैक्स होते हैं जिसका इन्होंने बयान किया कि अनजाइना अटैक इंसान पर होता है और अगर वो बिल्कुल बंद हो जाए तो हार्ट अटैक भी होता है नाजन इक्रम अगर हम गौर करें हजूर इक्रम सम ने इंसान के रूहानी दिल के मुतल भी यही इर्शाद फरमाया है आप सल्ला वर्शाद फरमाते हैं हदीश शरीफ में है बेशक शैतान इंसान में खून की तरह गर्दिश करता है तो भूख और प्यास के ज़रिए इसके रास्ते तंग करो भूख और प्यास के ज़रिए शैतान के रास्तों को तंग करो इन शैतान इंसानी मजरदम शैतान इंसान के जिसम में खून की तरह गर्दिश करता है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम शैतान के रास्तों को तंग करना चाहते हो तो इसका तरीकाकार क्या है भूख और प्यास के जरिए शैतान के रास्तों को तंग करो जब हमने साइंसदानों की बात पढ़ी तो मालूम हुआ वो कह रहे हैं कि ज्यादा खाना इंसान के लिए खून के रास्तों को बंद करता है खून के रास्तों को तंग करता है अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसे हार्ट अटैक हो तो वो ज्यादा खाना खाता रहे अगर वो चाहता है कि उसे ये तकलीफें हों उसका फिजिकल हार्ट डिजीज हो जाए तो वो ज्यादा खाना खा सकता है और अगर कोई शख्स ये चाहता है कि शैतान के लिए रस्ते हमवार हों शैतान के लिए इंसान के दिल में जो रस्ते तैयार किए गए हैं अगर वो वसी हो जाएं, तो वो ज़्यादा खाना खा सकता है लेकिन ये दोनों बातें इंसान के फ़िज़िकल हार्ट में भी पाई जाती हैं इंसान के स्पिरिचुअल हार्ट में भी पाई जाती, है। जाती हैं इंसान के रूहानी कल में भी पाई जाती हैं इंसान के जिसमानी कल में भी पाई जाती हैं यानी अगर इंसान ज़्यादा खाए तो इंसान के रूहानी कल्ब को भी नुकसान होता है और इंसान के जिस्मानी कल्ब को भी नुकसान होता है ये ज़्यादा खाने का नुकसान है और फिर उसके अलावा जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि मेरे सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बदन अतःर कभी बाहर नहीं निकला और सल्लल्लाहु अलैहि वसम की ये इतहाई खूबसूरत सुन्नत है और मेरे आका वसल्लम की बहुत ही प्यारी ट्रेडिशन जिसमे सालतम आप फरमाते हैंज़रत सदना अब्दुल्ल से रिवायत है कि रलतम आपलम ने रशात फरमाया अल्लाह को तुम में से वो बंदा सबसे ज़्यादा पसंद है जो कम खाने वाला है और खफीफ बदन वाला है ये हजूर अक्रम सल्हलम की हदीस है कि अल्लाह जजल को तुम में से सबसे ज्यादा वो शख्स पसंद है वो शख्स सबसे ज़्यादा प्यारा है जो कम खाना खाता है और दुबला पतला है हल्के बदन वाला है खफीफ बदन वाला है ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्म मुसलिमों को ये पैगाम दिया है आप सलील आल वसम ने कि अगर अल्लाह की महब्बत चाहते हो तो इसका अहतमाम भी करो हम वैसे तो बहुत तजकरे करते रहते हैं हुजूर अकरम सल्ला वसल्लम की सुन्नत की अहमियत पर हम लेक्चर देते हैं लेकिन ये सुन्नत हम भूल जाते हैं कि पेट कम करना भी मेरे औका अलैहि व आलही वसल्लम की सुन्नत है नाजीक्रम हमारी सूफिया की हमेशा यही आदत रही है कि सूफिया काम हमेशा कम खाने का अहतमाम करते क्योंकि वो जानते थे उन्हें तो इनका एहतियाज नहीं था उन्हें इन साइंटिफिक फैक्ट्स का एहतियाज नहीं था उन्हें इनकी ज़रूरत नहीं थी उन्हें ना ही ये पढ़ने की ज़रूरत थी ना ही मेडिकल साइंस पढ़ने की जरूरत थी अल्लाह से वजल उनकेूब में यह पैगाम डाल देता था यह इलम डाल देता था और यह इलम कुदरती तौर पर उनके कुलूब में वदियत हो चुका था वो जानते थे कि अगर हम कम खाएँगे तो इससे हमारे रूहानी कल्ब को भी तकवीत मिलेगी और हमारे फिज़िकल कल्ब को भी तकवीत मिलेगी हजन कराम इन हम आने वाले लेक्चर्स में हम सूफिया कामिल के हवाले बयान करेंगे और उनकी ज़िंदगी के अहवाल बयान करेंगे कि सूफिया काम के खाने की तरतीब क्या रहती थी और वो किस तरह खाने का अहतमाम करते थे और उसके बाद इन रूहानी कल्ब की कैफियात पर हम ये कलाम जारी रखेंगे हमें आपके बेशुमार ई मेल्स मिल रहे हैं और इन श्ला हमारी हतस्तात कोशिश होगी कि आने वाले लेक्चर्स में आपके ई मेल्स के हम जवाब भी दें जजाकमल ख़ैरा व अहसन अहसनज़ा व आखिर अनुदिल्लाबीन